बात करेंगे लेप्रसी मिशन चंडा की, जो लगभग मैरी रीड एक महिला थी उनके द्वारा स्थापित किया गया था। उन्हें कुष्ठ रोगियों से काफ़ी प्रेम था और उन्होंने कसम खाई थी कि वो कुष्ठ रोगियों को उनका उपचार करेंगी। तो उनके द्वारा ये लेप्रसी मिशन की स्थापना की गई थी और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में देवदार के पेड़ लगाए गए थे, इमारतें बनाई गई थी, हॉस्पिटल थे, चर्च था। तो इन इमारतों का जो हालत है, इन इमारतों की जो जर्जर हालत है, उस हालत की भी हम देखेंगे कि वो हालत इस इमारतों का क्या हाल है। तो इससे आगे बढ़ते हैं तो हमें एक चर्च दिखता है, चर्च जो अपनी अभूतपूर्व छटा से भरा हुआ है, और उसके बगल में हमें मिशन के हॉस्पिटल्स, उनकी इमारतें, वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों के भवन दिखते हैं, जो लगभग अब पूरे रूप से जर्जर हो चुके हैं और यहाँ पर इनकी सिर्फ भवनों की खंडर बन रूप में बचे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर का जो सिनेमेटिक व्यू है, जो यहाँ पर का जो एक सौंदर्य पूर्ण जो यहाँ पर सौंदर्य भरा पड़ा है, जो यहाँ पर प्रकृति की अभूतपूर्व छटा यहाँ पर भरी पड़ी है, उससे अभिभूत होकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि मैंने भी यहाँ पर जब बचपन था तो मैंने काफ़ी यहाँ पर देखा था, यहाँ पर कुछ रोगी हुआ करते थे, यहाँ पर उनका उपचार किया जा सकते थे। और यहाँ से जो प्राकृतिक व्यू दिखता है पिथौरागढ़ का, उस प्राकृतिक व्यू को हम देखते हैं, अभिभूत हो जाते हैं। और ये इस इमारतों को तो शायद अब बचाया नहीं जा सकता, लेकिन इस प्राकृतिक सौंदर्य को हमें बचाने की कोशिश करनी चाहिए। हम लोगों को इसको बचाने के लिए यहाँ पर इसको दूषित होने से भी रोकना चाहिए। यहाँ पर कोई ऐसे उपकरण, कोई ऐसे चीज़ें नहीं लानी चाहिए, या फिर कोई ऐसे जो समाज में दूषित शराब की बोतलें, कोक की बोतलें, इन पेय जलों से हमें दूर रहना चाहिए। और इन समाज को, यहाँ पर इस अंग को, इस चीज़ों को हमें बचाना चाहिए, ताकि ये इनके योगदान से जो पिथौरागढ़ का टेम्परेचर, जो पिथौरागढ़ का तापमान है, वो भी दूषित ना हो। और जो ये पिथौरागढ़ के तापमान को बचाने के लिए ये देवदार के पेड़ जो अपना अभूतपूर्ण योगदान देते हैं, उनमें हमें इसकी सहायता करनी चाहिए। और यहाँ पर से जो व्यू, जो सौंदर्य पिथौरागढ़ का दिखता है, उस सुंदरता को हमने देखने के लिए जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं, उनको ये देखकर अपने दिल में उसकी यादें बसा कर अपने साथ ले जाएं। और मैं यही आशा और यही आपसे इच्छा करता हूँ, कामना करता हूँ सॉरी, कि आप लोग इसी मनोदशा में इस चंडा की, इस पिथौरागढ़ में स्थित इस चंडा के इस प्राकृतिक व्यू को बचाने के लिए कोशिश करेंगे और इसको बचाकर हमारे साथ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।